नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज हम बात करेंगे मोती रत्न किन राशि एवं किन लगन वाले जातकों को करोड़पति बनाता है, किन किन राशियों के लिए राजयोग कारक होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोती किन परिस्थितियों में बिना जन्मपत्री या हस्तरेखा दिखाए भी पहन सकते हैं, मोती रत्न धारण करने की विधि, इसके लाभ और इसके पहचान के विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ कहाँ का मोती सबसे अच्छा होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोती किन लगन एवं किन राशि वाले जातकों का राजयोग बनाता है, किन लोगों को मोती धनवान बनाता है। दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहली राशि है मेष राशि। यदि आपका यह राशि और लगन दोनों के लिए है, दोस्तों मेष राशि से चंद्रमा चौथे घर के स्वामी होते हैं, आपके लिए भूमि, मकान और वाहन का योग बनाते हैं। साथ ही साथ आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए और सुखी जीवन के लिए, यानी कि आपके पास पैसा है, नौकरी है लेकिन जीवन में शांति नहीं है, तो सुखी जीवन के लिए भी आप मोती धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ। यदि आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, तो वृषभ मिथुन कर्क आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। मोती धारण करने से आप पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे, मोती आपके लिए भी राजयोग कारक होता है। दोस्तों, अगली राशि है यहाँ पर कर्क। कर्क राशि से पहले स्थान के, यानी कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो आपके आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, आपको धन लाभ प्रदान करेंगे, आपके चेहरे में खूबसूरती यानी कि सौंदर्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्त्री सुख की प्राप्ति के लिए आपको मोती पहनना चाहिए। अगली राशि है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि से चंद्रमा 11वें भाव के एकादश भाव के स्वामी होते हैं, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा अति बाल्य अति वृद्धावस्था में होने पर, पाप दृष्टि या पाप कर्तरी योग में होने पर, चंद्रमा की कमजोर स्थिति होने पर उसका प्रभाव आपकी इनकम पर, आपकी आय पर सीधा सीधा पड़ सकता है। तो आपकी आय को बढ़ाने के लिए, खासकर आप व्यापारी हैं कन्या लगन वाले या कन्या राशि वाले, तो आपको मोती ज़रूर पहनना चाहिए। अगली राशि तुला। तुला राशि एवं लगन वाले जातकों को कर्म स्थान के 10वें घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो दोस्तों आपका व्यापार बढ़ाने के लिए, आपका क्राइटेरिया कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए आप मोती पहन सकते हैं। पिता के सहयोग के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, राजनीति में उच्च पद, मंत्री पद आदि प्राप्त करने के लिए भी आपको मोती अवश्य धारण करना चाहिए। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। दोस्तों, मंगल और चंद्रमा का राजयोग होने पर, या आपकी कुंडली में चंद्रमा 9वें घर के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं, भाग्य को चमकाएगा आपकी मोती, आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे और किसी प्रकार की बाधा आपके भाग्य उदय में है तो निश्चित रूप से वह मोती रत्न पहनने से दूर होगी। अब बात करते हैं किन परिस्थितियों में मोती पहनना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है, हस्तरेखा नहीं है, तो समस्याओं के आधार पर भी मोती पहन सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या है, पैसा है, सब ठीक है, मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश देर सवेर माइंड पर प्रेशर बना रहता है, मानसिक तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो आपको मोती पहनना चाहिए। किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है, मनोविकार है, आपको मोती पहनना चाहिए। दवाइयों के शरीर में अच्छी तरह से काम ना करने पर भी मोती धारण करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका काम सोने चांदी संबंधित है, यदि आपका काम ज्वेलरी का है, यदि आपका काम राशि रत्नों का है, यदि आप दवाइयों की फैक्ट्री है आपकी, आप बड़े डॉक्टर हैं, तो भी आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। बात करते हैं मोती रत्न के पहचान के विषय में। दोस्तों, मोती तीन तरह का होता है। एक तो रियल बसरा मोती, जो बेहद रेयर क्वालिटी का होता है, बहुत ज़्यादा जो इस समय उपलब्ध नहीं है, अगर मिल जाए तो किस्मत आपकी। दूसरा होता है वेनेजुएला। वेनेजुएला भी लगभग बसरा के बराबर की ही चीज़ है। जापान के समुद्र से मोती निकलता है, हिंदुस्तान में अलग अलग कई जगह से मोती निकलता है। अगर आपका मोती नेचुरल है, उसके अंदर गोली नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, खेती किया हुआ नहीं है, तो वह 200% आपको रिजल्ट देगा। लेकिन आजकल कल्चर्ड मोती
मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उसका प्रभाव होता है लेकिन कम होता है। कल्चर्ड मोती भी यदि बिल्कुल शुद्ध मोती है, साउथ सी का मोती है या अदरवाइज खेती किया हुआ कोई भी मोती है, तो वह भी आपको लाभ करेगा लेकिन उसका लाभ कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पहचान के विषय में। पहचान के लिए सीधी सीधी बात है, आप उसकी लैब टेस्ट कराइए। यदि लैब में नेचुरल पर्ल लिखा आता है तो आपका मोती डेफिनेटली बिल्कुल नेचुरल है, और नेचुरल पर्ल नहीं लिखा आता है उसमें तो खेती किया हुआ कल्चर्ड मोती हो सकता है। दोस्तों धारण करने की विधि भी आपको मैं बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में। मोती रत्न का आप लॉकेट या अंगूठी बनवा करके सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक किसी भी टाइम चंद्रमा की होरा में ओम नमः शिवाय या ओम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके मोती को पंचामृत में स्नान करा के आप विधिवत कनिष्ठ उंगली में धारण कर सकते हैं। धारण करने के उपरांत आपको सफ़ेद वस्तु चावल चीनी खीर आदि का या दूध गरीब लोगों में बांटना चाहिए, गरीब लोगों में मिष्ठान भी आप बांट सकते हैं तो मोती आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों मैं कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।